वरोरा चंद्रपुर आगर के बस यात्रियों की सेवा में 2 महीनों के बाद लाल परी रास्ते पर दौड़ी, जिससे यात्रियों में आनंद है। चंद्रपुर शासकीय सेवा में विलीनीकरण के साथ अन्य मांगों के लिए एसटी महामंडल के कर्मचारियों ने दिवाली से हड़ताल पुकारा। शासकीय स्तर पर अभी भी कर्मचारियों के अपेक्षा के मुताबिक मांगे पूर्ण नहीं हुई, लेकिन चंद्रपुर साथी वरोरा आगार के कुछ कर्मचारी सेवा में रुजू हुए। इस आगार के एसटी यात्रियों को सेवा मिलने की जानकारी विभागीय नियंत्रक ने दी है। बस शुरू होने से यात्रियों ने समाधान व्यक्त किया है। एसटी कर्मचारियों का हड़ताल शुरू है, फिर भी वरोरा आगार की बस 4 दिनों से दौड़ रही है, तो चंद्रपुर आगार से गुरुवार से एसटी के 6 फेरी होने की जानकारी विभागीय नियंत्रक स्मिता सुतावने ने दी। विशेष यानी इस हड़ताल से ग्रामीण इलाके के नागरिकों की बड़े पैमाने पर असुविधा हो रही है। दूसरी ओर स्कूल शुरू होने से विद्यार्थियों को स्कूल जाना मुश्किल हुआ है। निजी वाहन से जान हथेली पर लेकर विद्यार्थी सफर कर रहे हैं, लेकिन अब वरोरा वनी, चंद्रपुर गोंडपिपरी, चंद्रपुर आष्टी, चंद्रपुर वनी, चंद्रपुर चिमूर, चंद्रपुर मूल, इस मार्ग पर लाल परी दौड़ पड़ी है। यात्रियों की असुविधा ना हो, इसके लिए महामंडल प्रयास कर रहा है। चंद्रपुर साथी आगार के कुछ कर्मचारी रुजू होने से कुछ मार्ग पर बस शुरू की गई है। इस बस का यात्रियों को अच्छा प्रतिसाद है। 1 से 2 दिनों में इस बस का टाइम टेबल ठहरा कर वे समय में दौड़ेगी। आगार के कुछ बस शुरू होने से विद्यार्थियों के साथ यात्रियों को दिलासा मिला है। इस संदर्भ में विभागीय वाहतूक नियंत्रक स्मिता सुतावने ने जानकारी दी। आज आपले आगारातून 5 गाड्या निघालेल्या आहे। एक वरोरा गेली आहे, एक चिमूरला, एक घुगुसला गेली आहे वणीपर्यंत, तिसरी मुल्ला गेली आहे, एक नागबीड गेलेली आहे आणि एक आष्टी गेली आहे। आज 5 गाड्या निघाल्या चंद्रपूर डेपोतून। नागपूर डेपो जे इमानवाड्याची गाडी आज एक आलेली आहे, आता पुन्हा 2 गाड्या इमानवाड्याच्या येऊन राहिलेल्या आहे। ओके, प्रवासाचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे। म्हातारे लोक, शिक्षणिकवाले, कॉलेजचे मुलं, म्हातारे लोक, ज्येष्ठ नागरिक आणि अशाही प्रवासाचा रिस्पॉन्स चांगलेला आहे। ते आतुरतेने बसची वाट बघून राहिलेले आहे, कारण की ग्रामीण भागाची जनता एसटीविना प्रवास करण्याचा अपुरा होऊन गेलेला आहे। नाईलाजानं त्यांना ज्यादा पैसे देऊन अडचणीत प्रवास करा लागत आहे त्यांना। एसटीच्या तर भरपूरच नुकसान झालं, आता सांगणं म्हणजे तितपर हे नाही, करोडोच्या याच्यात एसटीच्या महामंडळात नुकसान, आपल्या डेपोचंच भरपूर नुकसान झालेलं आहे। आज कमीत कमी 2 महिने पूर्ण होऊन 3रा महिना लागलेला आहे।